बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमें या खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में आज है इनको छुट्टी और हफ्ते का दिन है, तो हमने सोचा कि चलो जाके जो है ना वो ग्रोसरी कर के आते हैं। ग्रोसरी जो है वो मैं खुद इनके साथ जाके करने जाती हूँ, क्योंकि फिर ये है ना कि आधी चीज़ें ये ले आते हैं और आधी ले के नहीं आते। तो मैंने सोचा कि मैं इनके साथ जाती हूँ और ग्रोसरी करके ले के आती हूँ। अच्छा जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा हफ्ते में जाओ और तफसील से सारी ग्रोसरी करके लेके आओ। तो फ्रूट वगैरह भी घर में ख़त्म था, दूध भी ख़त्म था, और बाकी चीज़ें जो हैं सब्जियां वगैरह सारा कुछ ही तकरीबन एंड हो चुका था। तो आज मैंने सोचा कि वीकेंड से पहले पहले जो है ना, मसलन एतवार से पहले पहले जो जाके ना सारी जो है वो ग्रोसरी करके ले आएँ। तो फिर मैं भी ये साथ आके मैंने कहा सही जो है ना वो फ्रूट श्रूट सारा कुछ जो है ना वो ले आऊँगी। बाकी दिनों में भी ले आते हैं जो चीज़ ख़त्म हो, लेकिन ये है कि वो फिर कभी काम से आते जाते इनको बोल देती हूँ तो यही जो है वो ले आते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे आल्डी में आ गए थे और यहाँ से जो है ना वो हम लोग अब ग्रोसरी करेंगे। चलो लेके आओ, खेल के लेके आओ। अच्छा जी, पता नहीं क्या सोच के हम लोग ऐसे ही जो है वो एलडी में आ गए। और यहाँ से मैंने सारी जगहों पे एक ही जैसी की चीज़ें मिलती हैं, एक ही तरह की सारा कुछ होता है। बस ये है कि नाम ज़रा चेंज हो जाते हैं या उनके वो थोड़ा चेंज हो जाता है। नॉर्मल सारी चीज़ें सभी मार्केटों से मिलती हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए थे और यहाँ से सारे फ्रूट, दूध, अंडे वगैरह, सब्ज़ियाँ वगैरह सारा कुछ, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें सारा कुछ हम लोगों ने ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर जो एक्शन में चीज़ें पड़ी होती हैं ना, वो तो फिर लाजमी देखनी होती हैं। वो तो हमारा कोई ना ख़ास ही किस्म का नशा है जो वो पूरा ज़रूर करना, चाहे कोई चीज़ नहीं लेनी लेकिन देखनी ज़रूर होती है। अब तो इतनी ज़्यादा महंगाई होगी ना, ये एक्शन में जो चीज़ें पड़ी होती है ना ये भी नहीं। हाँ, लेकिन बच्चों की ये एक बहुत मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं, चलो बच्चों का गुजारा हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें वगैरह देख रहे थे। उसके बाद ये है कि हम लोग फिर सारी ग्रोसरी करेंगे, चीज़ें वगैरह लेंगे और फिर जो है वो घर को वापस जाएंगे और घर जाके फिर अपने बाकी काम काज जो है वो कर लेंगे। बाकी घर के मैं वैसे तो नाश्ता करके, बर्तन धो के, सारा घर साफ करके, सारे काम ख़त्म करके आई हूँ। बस ये है कि घर जाके बस खाने के लिए कुछ बनाएंगे और उसके बाद ये है कि बस फिर बाकी जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। अब मेरे हस्बैंड को आज छुट्टी थी तो फिर हमने सोचा कि चलो खाना शाना खा के फिर बच्चों को हम थोड़ा सा बाहर लेके गए थे और घूमे फिरे थे, बच्चों को थोड़ा सा स्पील प्लाट्स में ले गए। बस इसी तरह सारा दिन जो है ना वो बहुत मसरूफ़ जो है वो गुजर जाता है। अच्छा जी, जो जो चीज़ें हम लोगों ने लेनी थी वो हम लोगों ने सारी ले ली थी। लेने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है ना वो कासे पे बिल पे करते, बिल पे करके फिर ये नकाशा ने अपनी अपनी जो चीज़ें हैं ना वो अपनी वागन में रखी हुई थी, बाकी हम लोगों ने दूसरी वागन में रख ली थी। और सारी चीज़ें लेके हम लोग घर वापस पहुँच गए थे। और ये है कि दूध वगैरह मैंने रख दी थी, बाकी ये फ्रूट वगैरह और चीज़ें आधे से ज़्यादा चीज़ें अभी गाड़ी में पड़ी हुई थी, तो वही ये दोबारा चक्कर लगा के निकाल के लेके आए थे। तो ये चीज़ें जो घर में लेके आई थी, तो बस बच्चों को पूछ रही थी कि आप लोगों ने यहाँ पर कौन सा फ्रूट खाना है मुझे बताओ, मैं आपको धो के काट के दूँ। तो बस फ्रूट श्रूट सारा कुछ जो है वो बच्चों की पसंद का यहाँ पर हम लोग ले आए थे। अच्छा जी, अब जो है वो मैं जा रही हूँ किचन में और मैंने जो है वो पानी बॉयल करने के लिए जो है वो रखा हुआ है। आज मैं बनाने लगी हूँ मैक्रोनी, जो मिक्स वेजिटेबल वाली मैक्रोनी होती है ना वो बनाने लगी। बड़ा दिल कर रहा था आज खाने को, तो ये मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा है। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मैंने शेल मैक्रोनी जो है ना ये ले ली है, तो इसके साथ जो है ना वो आज मिक्स वेजिटेबल और चिकन वाली जो है वो बनाऊँगी मैक्रोनी मज़ेदार सी। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये देखिए प्याज भी मैंने काट लिए हैं, चिकन को मैरिनेट करके रख दिया, ये बंद गोभी है, इसमें आलू, शिमला मिर्च कह रही हूँ, गाजर और ये मटर, और ये शिमला मिर्च मैंने काट के ना फ्रीज़ की होती है। साथ में ये देखें ये है सिरका और ये है सोया सॉस। तो ये सारी चीज़ें डाल के तो अब बनाना शुरू करते हैं। नूडल जो है वो बॉयल हो चुके हैं, अब सबसे पहले देचकी रखते हैं चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा ऑयल।
अच्छा जी, आज जो है ना वो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि ये जो मिक्स वेजिटेबल वाली है ना मैक्रोनी, ये खाने को। तो बस फिर मैंने ना आज सारी सब्जियां वगैरह इकट्ठी की, इनको काटा धोया छीला वगैरह सारा कुछ किया, और आज मैंने कहा कि आज मैक्रोनी बनाती हूँ मिक्स वेजिटेबल वाली। पाकिस्तान में ये तो बनती ही यही थी ना, तो आज मेरा दिल कर पड़ा, मैंने कहा चलो आज पाकिस्तान की याद जो है ना वो ताज़ा करती हूँ और यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल वाली जो है ना मैक्रोनी वो बनाती हूँ। तो मैंने ज़्यादा सारी सब्ज़ियाँ डाली हैं, मुझे ज़्यादा सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद हैं। तो सारा कुछ डालने के बाद ना इनको मिक्स करके जैसे ये बन जाएंगी, मेरे जो है ना वो जो मैक्रोनी है वो तो बॉयल हो ही चुकी थी, तो जैसे ये सारा कुछ रेडी होगा इसमें डालूंगी और मिक्स करके मज़ेदार सा बैठ के इंजॉय करेंगे और खाएंगे। अच्छा जी, मेरे बच्चे जो है ना वो मटर हो गए, ये माइस वगैरह हो गई, ये चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं, इतने शौक़ से बस और कोई चीज़ खाएं ना खाएं, ये निकाल निकाल के अंदर से बड़े शौक़ से खाते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस फिर मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाल ली हैं। बच्चे कभी मेरे पास खेलने आ जाते थे, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, और कभी जो है वो अपने बाबा के पास चले जाते थे, तो बस बच्चों की मौजें लगी हुई थी। जब इनके बाबा घर पर होते हैं ना फिर बड़ी मुझे मौजें लगती हैं, फिर ये होता है कि मुझे कोई टेंशन, बच्चे आराम से उनके साथ लगे होते हैं और मैं बेफिक्र होकर अपने सारे काम जो है वो कर लेती होती हूँ। अगर वो नाना हो फिर ये है कि कभी रोते मेरे पास आ गए, कभी काम नहीं करने दिया, कभी कुछ कभी कुछ, तो जब ये घर पे होते ना फिर मैं बेफिक्र होकर आराम से काम करती हूँ और मेरे काम बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे मज़ेदार से जो है ना वो मिक्स वेजिटेबल वाली जो है ना वो नूडल वो बिल्कुल रेडी हो गए, तब इसको प्लेट में डालती हूँ, उसके बाद इसकी फाइनल लुक जो है वो भी आपके साथ दिखाती हूँ। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे देख के दोबारा से जो है वो मुँह में पानी आ गया, इतने मज़े के ये बने थे। चलो आना भैया, चलो आ जाओ इधर, इधर उधर नहीं जाना, आपने पील प्लाट्स में नहीं जाना, शेयर करने जाना है। अच्छा जी, आज जो है वो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आज आप घर पे है ना, मैं घर पे रहती हूँ, आप दोनों बच्चों को बाहर स्पील प्लाट्स पे ले जाएं, डेली मैं लेके जाती हूँ, आज जो है ना वो मैं थोड़ा सा घर में रहती हूँ, आप बच्चों को ले जाएं। लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहे थे, कह रहे तुम्हारे साथ ही जाना, मैंने कहा चलो आओ फिर हम लोग जो है ना थोड़ी बहुत सैर सपाटा करके आते हैं और साथ में बच्चों को ना आइसक्रीम खिला के लेके आते हैं। बहुत दिन हो गया मैंने बच्चों को ना आइसक्रीम नहीं खिलाई थी, कब पहले मैं तकरीबन हर दूसरे दिन आती होती थी, अब ये है कि बहुत कम जो है वो हम लोग इस साइड पे आते हैं और बहुत कम जो है वो मैं बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके आती हूँ। तो मैंने कहा चलें आज आप भी घर पे हैं, आप भी हमारे साथ चलें और मिलके जो है वो हम लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं और बच्चों को भी खिलाएंगे और ख़ुद भी इंजॉय करेंगे। तो बस हम लोग खाना शाना खा के ना शाम को साथ में हमारी थोड़ी सी वॉक हो गई थी और साथ में ये है कि हम लोगों ने आइसक्रीम इंजॉय कर ली थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना वो हम लोग आइसक्रीम वाली शॉप पे पहुँच गए थे, बिल्कुल करीब ही है घर के, 2 से 5 से 7 मिनट कह लें लगते हैं पैदल बस ना। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे और बच्चों को जो है वो आइसक्रीम लेके देते हैं, बच्चे बड़े खुश थे कि आज हमें आइसक्रीम मिलने लगी है। अच्छा जी, पीछे जो है वो हल्का हल्का म्यूज़िक भी लगा हुआ और मुझे ये भी टेंशन है कैसे ना हो गया कॉपीराइट आ जाए, तो चलो देखो अगर कॉपीराइट आ गया तो फिर इसको सारा म्यूट करना पड़ेगा। तो बस हम सब ने जो है वो यहाँ पे आइसक्रीम ले ली थी, आइसक्रीम खाने के बाद इंजॉय किया और इंजॉय करने के बाद फिर बच्चों को थोड़ा देर हम लोग स्पील प्लाट्स में ले गए, वहाँ इन्होंने जंपिंग वगैरह की और इंजॉय किया, खेले और उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए थे।
कुछ नहीं किया। तो आ बेटा ना भी बैठो चलो पापा मस्त तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।